अमूमन शांत रहने वाली देश की सिलिकॉन वैली नाम से मशहूर बेंगलुरु एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अशांत हो गई। भारी उपद्रव हुआ जिसके बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस हालात पर काबू कर पाई। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने धन विशेष को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसके बाद लोग भड़क गए। उनका कहना था कि इस पोस्ट ने उनकी भावनाओं को आहत किया है। नाराज वर्ग विशेष के लोगों ने बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के आवास को घेर लिया और तोड़फोड़ करने लगे। उपद्रवियों ने आग भी लगा दी। विधायक के घर के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किए जाने के बाद लोगों ने डीजी हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने बताया कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाले जाने के बाद डीजे हल्ली इलाके में हुए उपद्रव में एक पुलिस अधिकारी समेत 60 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। उपद्रव को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग भी की जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और अब इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है।